सोने लग रहे हो आप हाय हाय टना टन हैविंग फन हाय हाय जॉगिंग से आ रही हूँ मैं अच्छा पता है जब से सुबह उठकर भागना शुरू किया है ना मैंने मेरी गैस है ना हजार रुपए की नोट की तरह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई अब तो जो मन में है मैं खा सकती हूँ किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या खाया ए रिंकू ये किसका सामान लेकर आ रही है तू बुढ़िया जी ये सामान हमारा है हम सोचे हैं कि उस मोहल्ला से इस मोहल्ला में अब वो हो जाएं वो क्या होता है जो करते हैं वो जो एक मोहल्ला से दूसरे मोहल्ले ट्रांसफर नहीं शिफ्टिंग शिफ्टिंग करेगी तू हाँ उसकी क्या जरूरत है तेरा तो खुद का घर है शिफ्ट होने की क्या जरूरत है खुद का घर किया है मेरा बर्बाद हो गया आज हम बर्बाद हो गया प्यार नहीं करते हैं हमको संतोष के भैया उस घर में प्यार ही नहीं है कुछ है ही नहीं उस घर में मकड़ी भी अकेले रहती है ना सिद्धू जी तो वहां जाला बना लेती है लेकिन संतोष के भैया हैं शर्माते रहते हैं शर्माते रहते हम दो से तीन हो ही नहीं पा रहे हैं हमने सोचा है इस मोहल्ला में रौनक है तो यहीं शिफ्ट हो जाए मैं तेरी तकलीफ समझ सकती हूँ बहन पति निकम्मा निकले तो बड़ी मुश्किल हो जाती है तुझे पता है कप्पू के नाना सुहागरात के अगले दिन मुझसे कहते हैं तू नींबू निचोड़ मैं बर्फ लेकर आता हूँ मिलकर शिकंजी पियेंगे मैं आज तक नींबू निचोड़े जा रही हूँ वो बर्फ लेके आया ही नहीं आप तो खुशकिस्मत हैं क्यों जो आपको नींबू तो निचोड़ने को मिल रहा है हमें ना तो वो प्यार करते हैं ना बर्फ लेने जाते हैं अच्छा तो तू एक काम कर बहन उसको लेकर तू हनीमून पर जा पहाड़ों में जा ऐसी जगह जा जहाँ ठंड हो हम गए थे गई थी हाँ कुल्लू मनाली में गया था कुल्लू मनाली में बहुत ठंड था हाँ? पहले से इनका हाइट छोटा है सिकुड़ के और छोटा हो गया क्या हम करते ऐसा गोद में उठा के सारा कुल्लू मनाली दिखाया उनको अब हम अंदर जाते हैं यहाँ पे घर पे देखा आपने सिद्धू जी कैसे लोग मोहल्ले में आ गए अगर ये ऐसी है तो इसका पति कैसा होगा ये यहाँ पे मैं रिंकू मैं तेरा बहुत बड़ा फैन हूँ मैं बस खड़े रह के दिन भर तुझे हवा देते रहूं है बस मेरा तो मजा इसी में है कि मैं रेगुलेटर बन जाऊं इस फैन की फिर देखना 5 पे पंखा चलेगा सच में अगर मैं रेगुलेटर बन गई ना तो पंखा 5 से नीचे नहीं आएगा ये नानी बम्बर ये सब क्या हो रहा है रणवीर को तंग क्यों कर रहे हो तुम लोग क्या बताऊं मैं ये रणवीर रिंकू के साथ यहां शिफ्ट हो गया क्या बात है क्या बात है यही तो कह रहे क्या बात रणवीर सच है तुम इसके साथ शिफ्ट हो गए तुमसे ज्यादा लड़का तो ये लगती है
You don't listen to him. ना ना मेरे को तो समझ में भी नहीं आता. सच में. ये रणवीर को तंग कर रही है. मिक्स औरतों. Very nice. जूते उतर गए. So you can't dance on the heels, right? धूम धूम डांस. आ जाओ भाई. ये हो क्या रहा है? बस बस. What dancing? Light, mood lighting. I'm just gonna follow you. You dance. मेरे को? I'll follow you. Follow, follow. मेरे को तेरे चलो. मुझे नहीं आता. जी, आपने दोनों का डांस देखा. इक्वेशन कितनी अच्छी इनकी केमिस्ट्री. Really? तो मुझे 100% श्योर है कि अगर हम रणवीर को कोई ऐसे स्टेप्स करने के लिए बोलें जिनकी जिनकी म्यूजिक की आवाज वाणी को नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन उनको गेस करना है. रणवीर, मैं आपको एक हेडसेट देता हूँ, उसके अंदर सॉन्ग्स प्ले होंगे. ओके. आपको वो सिर्फ आपको सुनाई देंगे. ओके. आपको उसका कोई स्टेप करके वाणी को, वाणी यू हैव टू गेस. मुझे डांस करना है? यस. गुड. मुझे बहुत जोर की डांस आ रही है. तो ये रहा आपका हेडसेट. ओके. और ये कोई सेट है? इसको यहाँ सेट कर. ओके ओके. कैन वी हैव द ट्रैक प्लीज? धूप से निकल के छांव से फिसल के. पहला गेट शाहरुख खान सॉन्ग. तुझे देखा तो ये जाना सूरज हुआ मत. कौन सा है तो मुझे भी नहीं पता चल रहा. ये शाहरुख की है. अब सोच लो, ये पानी है, ये पानी है. शाहरुख पानी के ऊपर में गेरुआ. ओ रंग दे तुम मोहे गेरुआ. सुन के बोला वैसे वाणी आपने. आपको कसम अपनी अपनी बीवी की, नहीं बीवी की तुम लोग झूठी खालोगे. आपको अपनी अपनी कसम अगर किसी ने गैस किया तो लेट वाणी गैस. ओके. मेरी मम्मी हमेशा कहती थी बेटा एक दिन तू जरूर बनेगा शाहरुख खान. चलिए, कैन वी हैव द सेकंड सॉन्ग प्लीज? जय जय शिव शंकर. जय जय शिव शंकर. क्या बात है. यो वाणी, अगर आपको ये कार्ड देखना भी देख सकती, क्योंकि इस वाले गाने कोई भी नहीं बजा रहे हो. मैं इसमें से ढूंढ रहा हूँ कौन सा. ओके, कैन वी हैव द फिफ्थ सॉन्ग प्लीज? ओ यार, ये कैसे करूँ अभी मैं, ये कैसे करूँ अभी मैं. लड़की का है. पानी देना बेटा. नहीं है. कैच. He's got it. उसके भीगे होंठ मेरे. अरे भाई, दिल बड़ा प्यासा है. प्यासा दिल है. प्यासे दिल को पानी पिलाना है. कैच करो. ओए जॉन्टी रोड्स. वेरी गुड. आई गेस गुड. मैं आपसे फटाफट दो तीन अच्छे अच्छे सवाल पूछूंगा. आपको खाली हाँ या ना में जवाब देना है. ये आपको वो भी मुंह से भी बोलने की जरूरत नहीं है. खाली आपको ना दिखाना है, हाँ है तो हाँ दिखाना है. दिस इज फॉर यू ब्यूटीफुल गर्ल. द क्वेश्चन इज, क्या आप दोनों में से किसी ने, दोनों ने कभी किसी होटल के कैफे या होटल में जाके मिंट के सैशे पैक देखा कि फालतू बड़े चुपचाप जिम में डालें?
innocent and honest. हमारे देश को जरूरत है ऐसे युवाओं की. मैं तो पता है वो सौंफ का जो ट्रे पड़ा होता है ना, ऐसे ये बड़ा मुट्ठी, ये बड़ी मुट्ठी लेके मैं जेब में डाल देता हूँ, फिर दिन भर एंजॉय करता हूँ थोड़ा थोड़ा. मैं भी ये करती हूँ, पर टिश्यू में डाल दूँ. ऐसे नहीं डालती. लड़कियाँ थोड़ी मैनेज कर लेती हैं अच्छे तरीके से, लड़के ऐसे होते हैं. ओके, क्वेश्चन दूसरा है. अच्छा, इट विल बी अ वेरी मीन क्वेश्चन फॉर ए गर्ल टू आंसर, सो इट्स ओनली फॉर यू रणवीर. का एक्टर बनने के बाद ऐसे कभी पब्लिक प्लेस में फाट किया आपने? और वो करने के बाद आप मुकर गए हो खुद ही करके कि हु वाज दैट? ऐसे कभी आपने किया? ऑनेस्ट, देश को जरूरत है ऐसे ईमानदार युवाओं की. मैं तो बेफिक्रे में किस करने वाले सीन में भी करता था. कभी आपने जाके फटाफट जाके बड़ा जल्दी में किसी का बाथरूम यूज कर लिया हो? दिस वन इज अगेन फॉर ए जेंटलमैन, जेंटलमैन नॉट फॉर गर्ल. फटाफट आपने जाके बाथरूम यूज कर लिया, बाद में आपको रिलाइज किया हो तो फ्लश तो चल नहीं रही. कभी ऐसा हुआ? यह वाणी की ईमानदारी देखो, मैंने उससे पूछा भी नहीं, उसने खुद ही दिखा दिया. अच्छा, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, ये बड़ी बात ये नेशनल टीवी पे करने वाली नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है आप किसी के घर में चले जाओ ना, और वो घर वाले जो हैं उनका स्टेटस जो है बहुत बड़ा है, और आप वैसे मिलने गए काम के सिलसिले में. अव्वल तो आदमी उनका बाथरूम यूज करता ही नहीं है, अगर गलती से कर लिया ना, सपोज मान लो आदमी पहले फ्लश करता है, फिर हाथ भी धोता, फिर जाके देखता है. फिर जब उसको लगता है ना कि सामान अभी भी एंडिंग है, तो वो फिर आदमी दोबारा उसको करता है. अच्छा, पहली बार जब करते हैं आप, टंकी कहीं की खराब होती ना, तो एकदम से पानी एकदम से निकलता वुश करके. उसके बाद में दूसरी बार भर भी रहा था ना साथ साथ में, तो उसमें थोड़ा थोड़ा निकलता, टंकी मना भी करती कि टुचुक टुचुक. फिर जो आदमी सूट बूट में गया होता ना, उसकी हालत देखने वाली होती, यहाँ पे पहुंचे फोल्ड करके ना अपने बाल्टी भर के ना. फिर बाद में हमारा कॉस्ट्यूम डिजाइनर मुझे ऐसे देख रहे आप क्या करता, बाजीराव फंसा हुआ था. क्यों हिला रही अपनी? अच्छा सॉरी, आप बोलो. इश्क करना खता है तो सजा दो मुझे. 500 कोड़े लगाए जाएं भाई. कपूर शर्मा, यहाँ पर मैं एक शेर अर्ज करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए दरख्वास्त करना चाहूंगी आपसे कि आप मेरा बहुमूल्य समय नष्ट ना करें, प्लीज. ओके, लेट मी कंटिन्यू. ओके. इश्क करना खता है तो सजा दो मुझे, इश्क करना खता है. क्यों सजा दे रहे? मैं सजा देता हूँ ना तुम्हें. रुको जरा, 5 मिनट रुको, बता. देखिए, आपसे मैं 2 उबले अंडे ना लूं, मैं आपसे सजा क्यों लूं? क्यों लूं आपसे सजा? रुक जाइए ना जरा. इश्क करना खता है तो सजा दो मुझे. अभी अभी ये बोल रही है, अभी बोलेगी सजा दो, फिर बोले फजा, लास्ट में पराठे पे आएगी, देखना. पराठे दे दो, भूख लगी है. भूखी है, ऐसे आती है. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.